महानगर थाना क्षेत्र में महमूदपुर माफी में झोला छाप, अस्पतालों पर डिप्टी सीएम होने की छापेमारी कार्रवाई, एक अस्पताल किया सील। दरअसल महमूदपुर माफी से झोला छाप चिकित्सकों की लगातार मिल रही शिकायतों पर मुरादाबाद के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव बेलवाल ने शनिवार को क्षेत्र में झोला छापों के क्लिनिक पर छापामार कार्रवाई कर एक क्लिनिक को सील कर दिया, जबकि तमाम झोला छाप चिकित्सक इस कार्रवाई की सूचना से अपने अपने क्लिनिक और दुकानें बंद करके भाग गए। वहीं मुख्य जिला चिकित्सालय मुरादाबाद से उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव बेलवाल ने महमूदपुर माफी के झोला छाप चिकित्सकों की मिल रही शिकायतों के मद्देनजर झोला छाप चिकित्सकों द्वारा संचालित फर्जी क्लिनिकों पर छापा मारा और इस कार्रवाई से क्षेत्र के झोला छाप चिकित्सकों में हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएमओ की छापेमार कार्रवाई की सूचना से तमाम झोला छाप चिकित्सक अपने क्लिनिक और दुकानें बंद करके भाग निकले। इस छापेमार कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से संचालित एक अस्पताल एएस हॉस्पिटल महमूदपुर माफी को सील कर दिया गया। आज कहाँ पहुंचे हैं? मैं अभी महमूदपुर माफी में आया हूँ। महमूदपुर माफी में मैंने एक क्लिनिक देखा, एएस हॉस्पिटल, जिसमें डॉक्टर यामीन बैठते हैं। तो उनसे रजिस्ट्रेशन अगर हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि सर अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया, और बेसिकली उन्होंने बीओएमएस किया हुआ है, ना ही वो आयुर्वेदिक क्षेत्रीय अधिकारी के यहाँ पर रजिस्टर्ड है, और सीएमओ के यहाँ से रिकमेंडेड होता नहीं है बीओएमएस उस। और वो जो उनका बीओएमएस का काम है, यूनानी वर्क कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ सेलेक्टेड मेडिसन्स होती हैं जो रिकमेंडेड है उनके लिए, बट उनके यहाँ पे ओटी प्रॉपरली एक ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है, डिलीवरी रूम बना हुआ था, और एक एलोपैथिक मेडिसन्स बहुत सारे अमाउंट्स में वहाँ पर प्राप्त हुई हैं, जो कि उनके लिए वो रिकमेंडेड नहीं है। सर आपकी तरफ से क्या प्रभावी कार्रवाई की गई है? मैंने उनकी ओटी को और डिलीवरी रूम और उनका जो ड्रग्स मिली है उसको सील कर दिया गया है, और इसमें हम प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। सर ऐसे यहाँ पर कितने हॉस्पिटल हैं जो इस तरीके से चल रहे हैं अभी? अभी मैं खान हॉस्पिटल के सामने खड़ा हूँ, उसमें आप अगर आप ऊपर देखेंगे तो डॉक्टर मुदस्सर का नाम लिखा हुआ है, आदिल का नाम लिखा हुआ है, बंद है। बेसिकली उन्हें बंद करके कहीं ऊपर ऊपर बैठ गए हैं लोग, ये भी इलीगल रूप है, तो इनको हम नोटिस भेजेंगे। डॉक्टर मुदस्सर को भी मैं नोटिस भेजूंगा, जितने भी नाम इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, किस लिए लिखे हुए हैं, क्यों लिखे गए हुए यहाँ पे नाम, उनको सबको नोटिस दिया जाएगा। उनसे पूछा, जवाब तलब किया जाएगा कि किस बिहाफ पे इस तरह की ये जनता को भ्रमित करने के लिए काम किया जा रहा है।